दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फोन के इंटरनेट प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। अगर आपके फोन में इंटरनेट प्रॉब्लम है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था, बोला था कि जब हम अपने फोन के मोबाइल डेटा को ऑन करते हैं, इंटरनेट को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद भी हमारे फोन में इंटरनेट नहीं चलता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन बताने वाला हूं कि कैसे आप इसको फिक्स कर सकते हो, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों ये प्रॉब्लम हमें अक्सर देखने को मिलता है, जब हम मोबाइल डेटा को ऑन करते हैं, इंटरनेट को ऑन करते हैं, हमारे फोन में इंटरनेट चलता ही नहीं है, कुछ भी ओपन नहीं होता है। तो दोस्तों अब आप इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस कंपनी का फोन यूज करते हो, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो किस कंपनी का फोन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिससे उस फोन से रिलेटेड मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे पाऊं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इंटरनेट प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको अपने फोन में सिर्फ दो काम करना है। अगर आप अपने फोन के मोबाइल डेटा को ऑन करते हो, मोबाइल डेटा को ऑन करने के बाद भी इंटरनेट ऑन नहीं होता है, इंटरनेट नहीं चलता है, तो दोस्तों आपको सिर्फ दो काम करना है, दो सेटिंग करना है, ठीक है। वो कौन से सेटिंग है, वो कौन से ट्रिक है, चलिए मैं आपको बताता हूं। सिंपली आपको अपने फोन के सेटिंग में जाना है, आपको अपने फोन के सेटिंग को ओपन करना है, इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग, आपको इस पर टैप करना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा बैकअप एंड रीसेट, आपको इस पर टैप करना है। इसके बाद दोस्तों आपको लास्ट में मिलेगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, ठीक है, आपको इस पर टैप करना है। जब आप इस पर टैप करोगे दोस्तों आपका जो डेटा वो डिलीट नहीं होगा, फोन रीसेट नहीं होगा, आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको इस पर टैप करना है। अब आप यहां पर देख सकते हो काफी सारे फीचर्स दिए गए, काफी सारे सेटिंग्स दिए गए, ठीक है। आपको फर्स्ट नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स, ठीक है। दोस्तों आपको आपको नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करना है, ठीक है, आपको अपने फोन के नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना है, आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर टैप करना है, ठीक है। और दोस्तों आप अपने फोन के नेटवर्क को रीसेट कर दो, आपके फोन में जो भी इंटरनेट प्रॉब्लम होगा वो फिक्स हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो रीसेट वाईफाई ब्लूटूथ एंड मोबाइल नेटवर्क सेटिंग। अगर आपके फोन में कॉल से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होता है, इंटरनेट स्लो चलता है, मोबाइल डेटा ऑन नहीं होता है, तो सिंपली आपको इस पर टैप करके अपने फोन के नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना है, ठीक है, सभी प्रॉब्लम्स आपके फिक्स हो जाएंगे। इसके बाद आपको दूसरा क्या काम करना है, आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा, आपको इस पर टैप करना है। इसके बाद दोस्तों आप जिस भी सिम कार्ड से अपने फोन में इंटरनेट को यूज करते हो आपको उस पर टैप करना है, ठीक है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम, ओके, आपको इस पर टैप करना है, यानी एपीएन पर। दोस्तों आपको अपने फोन में कोई भी नया एपीएन क्रिएट नहीं करना है, ठीक है, अपने पुराने एपीएन को ही रीसेट करना है। क्योंकि दोस्तों काफी टाइम से, लॉन्ग टाइम से हम अपने फोन में एक ही एपीएन को यूज कर रहे होते हैं, जिस वजह से हमारे फोन में इंटरनेट प्रॉब्लम आता है, हमारा इंटरनेट चलता नहीं है, इंटरनेट ऑन नहीं होता है। आपको टू डॉट पर टैप करना है, यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा रीसेट एक्सेस पॉइंट, ठीक है, आपको इस पर टैप करके अपने फोन के एपीएन सेटिंग को रीसेट कर देना है, यानी एक्सेस पॉइंट नेम को रीसेट कर देना है। और दोस्तों आपके फोन के सभी इंटरनेट के प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगे, आपका जो इंटरनेट है वो भी अच्छा चलेगा। तो सिर्फ आपको ये दो काम अपने फोन में करने हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको और बता दूं कि अगर आपके फोन में इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि पहले वाले सेटिंग में जाना है, एडिशनल सेटिंग में जाना है, यहां पर आपको बैकअप एंड रीसेट पर टैप करना है, इरेज ऑल डेटा पर टैप करना है, ठीक है। यहां पर आपको सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली, अगर आपके फोन में और कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों आपको यहां से सिस्टम के सभी सेटिंग्स को रीसेट कर देना है। और मैं आपको बता दूं कि आपके फोन के सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, ठीक है, आपके फोन के जो सेटिंग्स है वो पहले की तरह हो जाएंगे जब आपने नया फोन खरीदा था। दोस्तों आप अपने फोन में इन सेटिंग्स को करके फोन के सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो, ठीक है।
ये सभी चीजें करने के बाद आपको अपने फोन को रीस्टार्ट करना है, यानी बंद करके चालू करना है और अपने फोन में इंटरनेट को यूज करना है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि दोस्तों आप अपने फोन में अच्छे से इंटरनेट को चला पाओगे। आप मोबाइल डेटा को ऑन करोगे, आपका जो इंटरनेट वो ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप इन सभी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हो, यही इसका सोल्यूशन है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।